हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। अभी 2 दिन पहले मैंने अपना एयरटेल का सिम जो है पोर्ट कराया था बीएसएनएल में। जैसा कि आपने पिछली वीडियो अगर देखी होगी तो उसमें मैंने सारा प्रोसेस दिखाया था कि आप कैसे जो है पोर्ट करवा सकते हैं और मुझे क्या ऑफर मिला था। तो वहीं पे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो सक्सेसफुली जो पोर्ट हो गया है मेरा जो एयरटेल का सिम है वो बीएसएनएल में, और ये कल की डेट में पोर्ट हुआ था और इसको एक्टिव होने में 3 से 4 घंटे लग गए थे। और जैसे ही एक्टिव हुआ था उसके बाद मुझे 249 का रिचार्ज जो है रिसीव हो गया था, और मैंने कल शाम को जो है इसे यूज किया। 3G जो नेटवर्क पे मैंने यूज किया क्योंकि मेरे एरिया में जो है बीएसएनएल के 4G नेटवर्क नहीं आते हैं। 3G नेटवर्क ठीक ठाक ही चल रहा था, ज्यादा मुझे यूजेस नहीं है उस हिसाब से ये ठीक ठाक वर्क कर रहा था। लेकिन जैसा कि कल मैंने देखा था कि ये मेरा सिम जो है सुबह 9 बजे एक्टिव हो गया था और मुझे 11 बजे से और 2 बजे तक बिल्कुल नेटवर्क नहीं मिले थे, तो मैंने सोचा कि ये जो है अभी एक्टिव नहीं हुआ है, इस वजह से हुआ होगा। लेकिन ये प्रॉब्लम आज फिर देखने को आई है। मेरा सुबह सिम 10 बजे तक जो है चल रहा था और 10 बजे से लेकर अभी बज रहे हैं 12 बजने वाले हैं, 11:57 हुआ अभी टाइम, और इतने टाइम भी है जो है वो सर्विस मेरे को नहीं आ रही है। इमरजेंसी कॉल्स ओनली लिख के आ रहा है उस पर। तो मैं काफ़ी बार जो है फ़ोन को रिस्टार्ट करके फिर से स्विच ऑन किया, स्विच ऑफ किया, मोबाइल को 2G मोड पे डाला और डेटा ऑफ किया, मैं सारी चीज़ें करके देख चुका हूँ। लेकिन इंडोर कवरेज जो है बिल्कुल जा चुकी है, यानी जहाँ मैं रूम में शूट कर रहा हूँ यहीं पे ज़्यादातर मेरा मोबाइल रखा रहता है, तो यहाँ पे बिल्कुल भी जो नेटवर्क नहीं मिल रहा है मेरे को। अगर मैं बाहर जाता हूँ, अपने घर के बाहर जाता हूँ या छत पे जाता हूँ तो 2-3 नेटवर्क आ जाते हैं। यानी कि जो है इसका सिंपल सा कहने का मतलब ये है कि मुझको 10 बजे से नेटवर्क जो है कल 10 बजे से लेकर 2 बजे तक नहीं मिले थे, वैसा सीन लगता है मुझे आज भी देखने को मिलेगा। क्योंकि 10 बजे से मेरे नेटवर्क बिल्कुल चले गए थे और लगभग 12 बज रहा है अभी भी नेटवर्क नहीं आ रहे हैं, यानी इंडोर नेटवर्क नहीं आ रहे हैं, आउटडोर आ रहे हैं। तो इस पता नहीं बीएसएनएल वालों का क्या सीन है। फिलहाल जो मैं कल शाम को यूज़ कर रहा था तो काफ़ी ठीक ठाक चल रहा था, 3G पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छा था। तो मैं सोच रहा था कि आप लोग को भी रेकमेंड करूँगा कि आप लोग भी जो है अगर आपको ज़्यादा यूजेस नहीं है तो बीएसएनएल में स्विच कर सकते हैं। लेकिन जो वही लोग स्विच करें, ये लास्ट में मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल डिस्क्लेमर समझ लीजिए इसको, तो वही लोग स्विच करें जिनको ज़्यादा काम नहीं है, इम्पोर्टेंट काम नहीं है, वैलिड OTPs उनको तुरंत नहीं चाहिए, क्योंकि इसकी सर्विस पे आपको बिल्कुल भी भरोसा नहीं करना चाहिए कि कब ये सर्विस दें, कब इनकी बंद हो जाए। अगर आपका कोई प्राइमरी नंबर है या इम्पोर्टेंट नंबर है तो उसको आप इसमें बिल्कुल भी ना पोर्ट कराइए। आप इसमें सिर्फ अपने टेम्परेरी नंबर से पोर्ट कराइए, जिनको आपकी ज़्यादा यूजेस नहीं है, सिर्फ आपको उसको रखना है किसी काम के लिए, तो आप उसको जो है बीएसएनएल में पोर्ट करा सकते हैं। अगर आपका जो इम्पोर्टेंट और मेन नंबर है तो आप उसको बिल्कुल भी इसमें पोर्ट ना कराइए, क्योंकि इनकी सर्विस का कोई भरोसा नहीं कि आप कितने टाइम पर दें, कितने टाइम पर बंद कर दें। मेरे को जो है 2 दिन से यही इशू देखने को मिल रहा है कि 10 बजे मेरा नेटवर्क इंडोर वाला चला जाता है और 2-3 बजे के बाद ही नेटवर्क जो है मुझे मिल पाते हैं। बाकी आउटडोर में तो नेटवर्क आते हैं लेकिन हर समय कोई घर के बाहर नहीं बैठा रहेगा। तो मैंने सारी चीज़ें इस वीडियो में कवर कर दी हैं कि क्या मुझे प्रॉब्लम देखने को मिली, मेनली क्या प्रॉब्लम है बीएसएनएल की। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना। मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।